मैम, इस तरफ से हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान चला हुआ है, क्या माना कि आपकी नाराजगी दूर हो गई? अब हमने बैठ के कल बैठक की, तीन ऑब्जर्वर्स हमारे दिल्ली से आए थे, उनके साथ सभी विधायकों ने बातचीत की है, मुख्यमंत्री भी वहीं थे, उनके सामने सारी नाराजगी लोगों ने जाहिर की है और उन्होंने फैसला लिया कि मैं सबको बैठ कर सुनूंगा, सबकी नाराजगी दूर करूंगा। तो काफ़ी हद तक मेरे को लगता लोगों में अब सेटिस्फेक्शन है। और नाराजगी क्या थी मैम? नाराजगी मुख्य बात क्या नाराजगी थी? नाराजगी ऐसी थी कि 5 साल उन्होंने इंतजार किया, भाजपा की सरकार थी उस वक्त, कोई काम नहीं हुए। आखिर सभी ने मेहनत की और सरकार, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाई, तो उनको आशा थी कि हमारी जो उम्मीदें हैं, हम कितने सालों से संजोए हुए हैं, उस पर सरकार एक्शन ले, हमारी जो नाराजगी है छोटी मोटी उसको दूर करे। और सभी जो विधायक गण थे उनकी ये इच्छा थी कि जैसे मान लिया किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई चाहता है कि हमारे को नौकरी मिले, कोई चाहता है हमारी ट्रांसफर्स हो, कोई चाहता है हमारे को छोटे मोटे काम मिले, कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे जिसको लेकर वो बार बार मुख्यमंत्री के पास जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने ज़्यादा उसका संज्ञान नहीं लिया, ज़्यादा सीरियसली उन बातों को के ऊपर सोच विचार नहीं किया, जिसकी वजह से उनका दुख और बढ़ता गया, उनकी ग्रीवेंसेस और बढ़ती गई और वो इस कगार पर आज सरकार को आना पड़ा और ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा हुई। मैम, एक का जो बयान आया था कि 2 गज जमीन भी नहीं मिल पाई जिन्होंने हिमाचल का निर्माण किया, हिमाचल बनाया, उनके लिए ये कितना बड़ा दुख था और इसको क्या रखा है आला कमान के पास कि इस मैदान पर 2 गज जमीन, सरकार 1 साल का कार्यकाल हो गया था तब भी नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई हमारी सेंटिमेंट्स नहीं, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता के सेंटिमेंट्स थे। और जहाँ जहाँ भी हम जाते थे, चाहे वो कांगड़ा हो, ऊना हो, बिलासपुर हो, लाहौल स्पीति हो, लोग यही कहते थे और यही चाहती लोगों की कि एक स्टैच्यू तो लगा दो वीरभद्र सिंह जी का, जिनका इतना यहाँ के विकास में हाथ रहा और उनकी वजह से हिमाचल प्रदेश ने जो तरक्की उन्नति की है, तो हम भी चाहते हैं कि उनका स्टैच्यू एक रिज मैदान पर लगना चाहिए। उसके लिए बार बार मुख्यमंत्री के पास ये बात रखी गई, इनफैक्ट हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी ये बात उनके सामने रखी, काउंसलर्स ने भी ये पास किया, इसमें विपक्ष के लोग भी थे जो ऐसा चाहते थे, पर उसमें इतना विलंब हुआ। जो छोटी सी एक ज़मीन देने की बात थी वो दे देते, मूर्ति लग जाती तो वो इश्यू सॉल्व हो जाना था, और मूर्ति के लिए भी कोई पैसा नहीं डिमांड कर रहे थे। सबने कहा हम चाहे 5 रुपये, चाहे 10 रुपये, चाहे 50, जितनी भी हमारी हम सक्षम है उस पैसे को हम डोनेट करके हम अच्छी सी मूर्ति लाएंगे, आप जगह दो, उसको इंस्टॉल करना चाहते थे। इस बात का संज्ञान सरकार ने नहीं लिया, तो ये एक नाराजगी का कारण था। वो सब हम ही, उनके परिवार वाले ही नहीं, इंटायर हिमाचल प्रदेश, इनफैक्ट इवन द ऑपोजिशन वॉज सेइंग कि ये लगनी चाहिए, तो उस पे ने जो निर्णय नहीं लिया उससे की वजह से नाराजगी। तो क्या नेतृत्व परिवर्तन की भी मांग आप लोगों ने उठाई? अब ये हालात जनता के सामने है, सरकार के सामने है, सरकार क्या फैसला करती है, ये बात हाई कमांड तक गई है, हाई कमांड के समक्ष भी हमने ये बात रखी है कि हमारी ही सरकार है और हम अपने राज्यसभा मेंबर को जिता नहीं सके, जो बहुत बड़ा दुख का कारण है। और आगे आगामी लोकसभा चुनाव हमारे सिर पर है, हम कैसा इसका सामना करेंगे, अब यू हैव टू डिसाइड। कोई प्रपोज किया है नाम आपने, दूसरा नाम अगर जो मुख्यमंत्री वही रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चेंज की बात नहीं हुई है, ना ही उन्होंने कोई ऐसा कहा। सभी जितने भी ऑब्जर्वर आए थे उन्होंने सबकी बात सुनी, उन्होंने यही कहा कि दे विल बी नॉट चेंज एंड ही विल रिमेन चीफ मिनिस्टर। सुबह से खबरें चलेगी विक्रमादित्य सिंह जो है वो बागी विधायकों से मिलने पंचकुला पहुंचे, क्या आपके पास ऐसी खबर है? ऐसी कोई खबर नहीं, आप उसका टूर प्रोग्राम देख सकते हैं, हिज ऑफिशियल टूर प्रोग्राम इज आउट, यू विल कम टू नो वेयर ही हैज गॉन। मैडम, अगला स्टेप क्या रहने वाला, अगर आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो बातें हैं आला कमान नहीं मानता है, तो क्या फिर रणनीति रहेगी आपकी? देखते हैं, अभी बात करने दो, लेट सी, वी हैव टू टॉक, वी हैव टू इधर मीट सोनिया गांधी जी और वील मीट खड़गे जी या राहुल या प्रियंका जी, जिससे भी बात करनी होगी हम जाएंगे अपनी बात रखने, क्या वो फैसला करते हैं, क्या वो हमारे को आदेश देते हैं, फिर अगला स्टेप हमारा उसी के मुताबिक। नेताओं ने भी अप्रोच किया है आपको? नहीं, देखिए अभी तक तो हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही वो भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम अगली सरकार का गठन हम ही करेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं वो लोग,
पर वो कितने सफल हो पाएंगे उसमें दैट आई डोंट नो। और मैम जब चुनाव हुए थे विधानसभा के तो जो बिभद्र सिंह उनके नाम पर चुनाव लड़ा था और जब रिजल्ट आए तो ये कहा जाने लगा था कि प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो अभी भी आप मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना हमारी ऐसी कोई चाह है, ना हमारी कोई ऐसी दौड़ है। हम तो जनता की सेवा और लोगों की सेवा के लिए यहाँ है। हमने लोगों का काम करना है, लोगों की बेहतरी करनी है, जो वीरभद्र सिंह जी के स्वप्न थे उनको साकार करना, यही हमारा उद्देश्य है।